हेलो गाइज, दिस इज़ मिस्टर सी एल गौतम, ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट पोएम फ्रॉम फ्लेमिंगो, माई मदर एट 66 बाई कमलादास। स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पोएट कमलादास। कमलादास वॉज बॉर्न इन 1934 in Malabar, that is in Kerala, and she is recognized as one of the India's foremost poets. She is one of the best poet of India. Her works are known for their originality. Her works, whatever she has written, that is real one. Versatility, she has written on separate subject, and that indigenous flavor of the soil, and the works she has written, that is having the feeling of native land. There is the sense of feeling of native land. Kamaladas has published many novels and short stories in English and under Malayalam, the name Madhavikutty. And she has also written Malayalam under the name of Madhavikutty. जो मलयालम उसने लिखा हुआ है माधवीकुट्टी के नाम पर लिखा है, उसका पेन नेम है। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust in 1977, a collection of short stories Padmavati the Harlot and other stories she has also published in 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer. वो बहुत ही संवेदनशील writer है, who captures the कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल idiom. उन्होंने जो कुछ लिखा हुआ है सारी उनकी राइटिंग ह्यूमन रिलेशनशिप से, सटलिटीज मीन्स ह्यूमन क्वालिटीज, वह सभी ह्यूमन रिलेशनशिप ह्यूमन क्वालिटीज के ऊपर वहाँ से झलक दिखाई देती है। माई मदर इन लिरिकल idiom, माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। माई मदर एट 66, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। स्टूडेंट, माई मदर एट 66, दिस इज फ्री वर्स। फ्री वर्स मीन्स इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी आपको, इसलिए यह फ्री वर्स है। बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। स्टूडेंट, आपको पता है बुढ़ापा आना एक नेचुरल प्रोसेस है, हर कोई बूढ़ा होता है, हर कोई मर जाता है। हैव यू एवर थाट वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि हमारे पेरेंट हमसे क्या उम्मीदें करते हैं? आइए इस पोएम को पढ़ते हैं, आपको पता लग जाएगा। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथड, हर फेस एस एन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, एंड रियलाइज विद पेन। यस, द पोएट स्टूडेंट, द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्राम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। सिंपल, दैट इज क्लियर, इज इट क्लियर? आई सॉ माई मदर सिटिंग बिसाइड मी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। यस, डोज, यू नो एट मदर वॉज एट द एज ऑफ 66। At that time, doze, old lady was dozing, slightly sleeping, and open-mouthed, her mouth remained open, her face ashen colorless, her face looked pale and faded, her face that was also bloodless, ashen, colorless. And here poet, you know that her face is compared with the corpse. Corpse क्या होता है? Dead body. उसके face को dead body के साथ compare किया गया है। Student, here her face ashen means just like भस्म, राख, जानते हैं, colorless, just like grey color. Her face is compared with corpse, dead body. So यहाँ simile, यहाँ पोइटिक डिवाइस सिमिली होगा। एंड रियलाइज विद पेन, यू नो एट दैट टाइम द पोएट वॉज सैड,
टू सी हर मदर सी वॉज ऑल्सो एट द क्रिटिकल कंडीशन मिजरेबल कंडीशन. यह देख करके पोएट्रेस जो होती है सी वॉज सैड बिकॉज द फियर ऑफ लूजिंग ऑफ हर मदर. माँ को खो जाने का डर उसको आने लगा क्योंकि दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुकड. क्योंकि वह उतनी ही बूढ़ी दिख रही थी जैसे एक्सट्रीमली सी वॉज एक्सट्रीमली ओल्ड. और मदर जो है अपने ही ख्यालों में मदर वॉज लॉस्ट इन हर थाट्स. बट सोन पुट दैट थाट अवे. लेकिन यह सब देखते हुए पोएट सी हैज डाइवर्टेड हर माइंड. वह उसको देखा कि माँ को देख करके उसको अपनी नोस्टैल्जिक फीलिंग आ जाती है. नोस्टैल्जिक द फियर ऑफ लूजिंग वंस समथिंग कॉस्टली थिंग्स. उसको अपनी माँ को खो जाने का डर होता है इसलिए वह अचानक जो है सी पुट दैट थाट अवे अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेती है. सी हैज डाइवर्टेड हर माइंड एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. फिर उन्होंने क्या देखा अपनी कार से बाहर को देखना शुरू कर दिया. सी स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द कार द ट्रीज स्प्रिंटिंग. डियर स्टूडेंट स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग वेरी फास्ट. उसने क्या देखा व्हेन सी वॉज ड्राइविंग सो सी सॉ दैट ट्रीज वर रनिंग वेरी फास्ट. एक्चुअली ट्रीज वर नॉट रनिंग वेरी फास्ट इट वॉज कार दैट वॉज रनिंग. मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट स्टूडेंट और जो हाँ बच्चे जो थे वो भी जो है चिल्ड्रेन वर ऑल्सो वेरी हैप्पी. ठीक है चिल्ड्रेन लुक्ड हैप्पी वाइल मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स. वो भी घर से बाहर निकल रहे थे बहुत हैप्पी. देवर ऑल्सो वेरी हैप्पी स्पिलिंग कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स. बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे थे बहुत अच्छे बहुत चंचल मूड में दिख रहे थे. स्टूडेंट यहाँ पर स्प्रिंटिंग ट्री पेड़ तेज भाग रहे हैं दैट रिफ्लेक्ट दैट टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट. यस एंड मेरी चिल्ड्रेन मेरी मीन्स हैप्पी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट हैप्पी चिल्ड्रेन दे वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स. चिल्ड्रेन वर ऑल्सो फुल ऑफ एनर्जी एक्टिविटी. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप स्टैंडिंग फ्यू आवर्स. लेकिन जब एयरपोर्ट्स पर पोएट जब एयरपोर्ट पर जाती है उसको अपना सिक्योरिटी चेकअप के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स वह फिर जो है कुछ दूरी पर कुछ गज यार्ड मीन्स 3 feet इन ए यार्ड 3-4 feet की दूरी पर खड़ी थी. फिर उसने अपनी माँ को देखा. आई लुकड अगेन एट हर. आई मीन्स यहाँ पोएट लुकड अगेन वह दोबारा अपनी माँ की तरफ देखने लगे. द पोएट लुकड अगेन एट हर मदर. मदर वॉज वैन. वैन मीन्स कलरलेस. यस एंड पेल सी वॉज जस्ट कलरलेस येलो. उसका फेस जो है थोड़ा येलो इस ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड उसका फेस थोड़ा येलो सा हो गया था. एट लेट विंटर्स मून फेस उसका ठीक उसी तरह जैसे विंटर्स के समय में जानते हैं जैसे लेट विंटर्स के समय में जो मून होता है वो हैजी हो जाता है वो प्रॉपर दिखाई नहीं देता काफ़ी हमसे काफ़ी दूर होता है वो जो है ड्यू टू फ्रॉस्ट फोग स्मोग मून जो है ठीक से नहीं दिखाई देता है. तो यहाँ स्टूडेंट मदर के फेस को यहाँ मून से कंपेयर किया गया है. एज यहाँ आया हुआ है तो एज मीन्स जो है द्वारा यहाँ पोएटिक डिवाइस मिली है क्योंकि हर फेस इज अगेन कंपेयर्ड विद द लेट विंटर्स मून. तो यहाँ पर जो है अगेन पोएटिक डिवाइस क्या होगी सिमिली होगी. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक. फिर एक मीन्स पीड़ा पेन. वहाँ यहाँ पोएट अगेन सी वॉज जस्ट हैविंग नोस्टैल्जिक फीलिंग. नोस्टैल्जिक फीलिंग मीन्स सी वॉज हैविंग द फियर ऑफ लूजिंग ऑफ हर मदर. या उसको पेन दोबारा उसके मन में एहसास होने लगता है दोबारा सोचने लगती है कहीं अपनी माँ को मैं जल्द ही न खो दूँ. माई चाइल्डहुड फियर नोस्टैल्जिक फियर. जैसे आप बचपन में छोटे होते हैं कहीं आपको लगता है मेरे बाप जब मेरे पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो मेरी देखभाल कौन करेगा. तो वैसी ही फीलिंग जो है कमला दास के अंदर आने लग जाती है. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. लेकिन जब पोएट्रेस जा रही होती है तो एक्चुअली इंटरनली सी वॉज वेरी सैड. फ्रॉम द कोर ऑफ हर्ट सी वॉज नॉट हैप्पी. सी वॉज वेरी सैड एक्सट्रीमली सैड. बट आउटवर्डली सी जस्ट सी सेड टू हर मदर दैट मदर डोंट वरी आई विल जस्ट कम वेरी आई विल कम बैक वेरी सून. सी यू सून अम्मा. तो दैट पोएट सेड टू हर मदर दैट सी विल कम बैक वेरी सून. एक्चुअली सी वॉज कवरिंग हर वीपिंग हार्ट एंड आउटवर्डली सी वॉज स्माइलिंग ट्वाइस थ्राइस टू शो हर मदर दैट द पोएटिस इज वेरी हैप्पी. मदर डोंट वरी सी विल कम वेरी सून. द स्टूडेंट्स आई होप आपको ये यहाँ पर 3 बार स्माइल आया हुआ है. तो द पोएट वॉज ट्राइंग टू
show her mother that poetry is very happy, but internally from the core of her she was extremely sad. वह जो है हंस करके अपने दुख को छुपाना चाहती थी. बाई लाफिंग बाई स्माइलिंग सी जस्ट ट्राई टू हाइड हर सैडनेस. स्टूडेंट्स हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा. इसको दो तीन बार पढ़ेंगे, दो तीन बार आपको समझ में आ जाएगा. ओके, थैंक यू.